हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों का SSC CGL का जो एग्ज़ाम था वो आप लोग का दोस्तों बढ़िया से हो गया। आप लोग की आंसर की वगैरह भी आपने सब चेक कर ली होगी। अब आप लोगों को वेट होगा टीयर वन के रिजल्ट का और कट ऑफ क्या जाएगी दोस्तों उसका भी। आपको पता है कि वैकेंसीज थोड़ी दोस्तों बढ़ गई है, जो 8000 प्लस वैकेंसीज आप लोग की हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पर गुड न्यूज़ दे दिया है कि गुड न्यूज़ फॉर SSC CGL, ठीक है, गुड न्यूज़ फॉर SSC CGL। CGL का न्यूज़ क्या है? CGL टीयर वन रिजल्ट रेडी टू अपलोड, रिजल्ट विल बी आउट विद इन अ वीक फ्रॉम टुडे, ठीक है, विद इन अ वीक फ्रॉम टुडे। यानी मैंने कल ही मैसेज किया था आप लोग ग्रुप में और यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट जो है बिल्कुल भी आने वाला है। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बोलने वाला हूँ, प्रूफ बोलने वाला हूँ, सब बोलने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपको सबसे पहले अपडेट चाहिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करके आप डिस्कशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप लोग मुझसे कोई भी चीज़, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों की SSC का एग्ज़ाम के बारे में, CGL के एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों आप लोग बता दूं कि SSC का आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 14 से 27 जुलाई आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 45 डेज आप लोग की रिजल्ट लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 जुलाई को एक मंथ हो जा रहे हैं और मैं आपको बोल दूँ कि यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट डेट बोल देता हूँ, 15 अगस्त, ठीक है, 15 सेप्टेम्बर, 15 सितंबर से पहले आप लोग की रिजल्ट आ जाएगी, एकदम डैम श्योर हूँ मैं। 15 सितंबर दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बट फिर भी मैं आपको एक एक्सेप्शनल मान लेता हूँ। 15 सितंबर से पहले आप लोग की रिजल्ट आ जाएगी। जो बच्चे भी ओपन में हैं अनरिजर्व कैटेगरी से और 125-130 करके आए हैं, मतलब एकदम सही, मतलब 125-130 काट कूट के उनका बन रहा है विदाउट नॉर्मलाइजेशन यानी कि रॉ स्कोर, तो वो लोगों का बिल्कुल चांस है अनरिजर्व में। बात करते हैं अगर OBC की तो OBC की भी लमसम आप लोग इतना ही मान लीजिए, OBC EWS की भी इतना ही मान लीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। SC ST के लिए 5 मार्क्स कम कर लीजिए, 115 से 120 पकड़ लीजिए मैक्सिमम, ठीक है। और ESM के लिए दोस्तों आप लोगों को बोल दूँ कि यहाँ पे 90 मार्क्स आप लोगों का है ESM के लिए, तो आप लोग यहाँ पे फेज 2 यानी कि टीयर 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट आप लोग का लग जाएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह आपको देखना है तो पता है आप लोग को आजकल रैंक IQ बहुत ज़्यादा चर्चे में चल रहा है, रैंक IQ से आप लोग चेक कर सकते हैं नॉर्मलाइजेशन स्कोर, जिसमें आप लोग की आंसर की लिंक अटैच करनी होती है खाली, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो दोस्तों दिखाता है रैंक IQ पे दोस्तों ऑलमोस्ट उतना ही SSC करता है नॉर्मलाइज, ठीक है। अब पता नहीं क्या फंडा है दोस्तों, बट जो भी है सही है, ठीक है। रैंक IQ दोस्तों बहुत ज़्यादा मददगार है लोगों के लिए। आप लोग वहाँ पे स्कोर देख लीजिए, आप लोग का कितना स्कोर आप लोग का बन रहा है ये एक बार मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यही था आज के वीडियो में, आप लोगों को यही अपडेट देना था कि SSC CGL का दोस्तों रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा मैक्सिमम 15 सितंबर में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंड वीक ऑफ सितंबर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है, SSC CGL की। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा भी आपको ठीक ठाक लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने के पास बने रहे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।